अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे उड़द दाल लिया है मैंने। ये उड़द दाल मैंने 4 to 5 hours पहले भिगा दिया था। ये अच्छी खासी नरम हो चुकी है, देखिए बहुत ज़्यादा नरम हो चुकी है। इसे ज़्यादा टाइम तक ही भिगा के रखना है हमें। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इसके मेंदू वड़े, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले मैं ये दाल को पीस के ले लेती हूँ, ग्राइंडर में ग्राइंड करके ले लेती हूँ, और आपको बताती हूँ मेंदू वड़े कैसे बनाए जाते हैं। मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, इसे हल्का हल्का पानी डाल के ही हमें ग्राइंड करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और इसका पेस्ट बना। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है दाल को, हमारी उड़द दाल का बैटर रेडी है यहाँ पे, ठीक है। आइए अब हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऐड करना। देखिए, हम लोग का बैटर यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम इसे अच्छी तरीके से फोक की हेल्प से फेंट लेंगे। और एक बात, यहाँ पे पानी हमें बहुत कम यूज़ करना है, इसे हमें अच्छी तरीके से फेंट लेना है। देखिए हमारा बैटर यहाँ पे कितना ज़्यादा गाढ़ा है, देखिए। इसे अच्छे तरीके से फेंटना है, जितना ज़्यादा फेंटोगे उतना आपकी जो मेदू वड़ा है वो फ्लफ़ी बनेगा। अगर आप चाहते हैं आपका मेदू वड़ा फ्लफ़ी बने, तो आपको इसे अच्छे तरीके से फेंटना होगा। हमारा मेदू वड़ा यहाँ पे फेंट के हो चुका है, देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा लेके बताऊंगी। देखिए, अगर ये फ्लोट कर रहा है इसका मतलब आपका बैटर एकदम परफेक्ट है। अगर ये फ्लोट नहीं करेगा, ये नीचे चले जाएगा, इसका मतलब आपके बैटर में मेदू वड़ा नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये फ्लोट होना चाहिए, देखिए, देख सकते हैं आप। मैंने ग्लास में पानी लिया है और ये आपको बता रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाह सबसे पहले हमारा सॉल्ट ऐड कर दूंगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1 teaspoon के करीब मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर दूंगी, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, कम ही ऐड करना है। मैं इसमें खोपरा ऐड कर दूंगी जो मैंने एकदम बारीक चॉप किया था। आप चाहो तो इसे अवॉइड कर सकते हो, आप इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन इसी से फ्लेवर हमारा ज़्यादा अच्छा आएगा मेदू वड़े का, वो ज़रूरी है। एकदम बारीक बारीक चॉप किया है मैंने यहाँ पे नारियल, यहाँ पे ग्रीन चिलीज ऐड कर दिया है, अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, एकदम बारीक चॉप कर लिया है। अनियंस हम इसे एकदम लास्ट में डालेंगे फ्राई करने के टाइम, वरना अनियंस हमारे पानी छोड़ देगा और फिर यहाँ पे हमारे मेदू वड़े नहीं बन पाएंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़े करी लीव्स लिए हैं, करी लीव्स 7 to 8 करी लीव्स लिया है, ऐसे भी बारीक एकदम चॉप कर लिया है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। हमारा कोरिएंडर ऐड कर दूँगी, देखिए सब चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और इसे अब मिला लूँगी अच्छे तरीके से बैटर को। हमारे पूरे बैटर हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है मिक्स करके। अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करूँगी और फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे हाथ में पानी ले लूँगी, हाथ में हमें पानी लेना है। यहाँ पे हम बैटर ले लेंगे, सबसे पहले हम बैटर ले लेंगे। जितना आपको बड़ा बनाना है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बीच में मैं होल कर दूँगी, देखिए बैटर बना के हमने इसे होल कर दिया है। अब मैं इसे फ्राई करने डाल दूँगी। कि अगर आपकी नहीं बन रही है तो मैंने यहाँ पे चलनी ले लिया है, देखिए हमने इसे ले लिया है, इसमें इसे गोल कर दिया है। अब जिसे नहीं जमता है मैं उसे ये बता रही हूँ। अब मैं इस चलनी का इधर ले लूँगी, अब देखिए, और मैं इसमें डायरेक्ट बिस्मिल्लाह ऐड कर दूँगी। देखिए मेदू वड़ा हमारे फ्राई हो रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारे मेदू वड़े यहाँ पे बन चुके हैं, और वो वहाँ पे चटनी भी है खोपरे की, यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, दुआ में याद रखिए। चलिए, जज़ाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से बेल बटन दबाइए ताकि आपको मेरी वीडियोस लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़।